हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर संगीताक्षरी में आप सबों का बहुत 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 स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हारमोनियम, कीबोर्ड या वेन्यू पर हमारा अंगुली कितना फास्ट, कितना तेज, कैसे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक अभ्यास करना होगा। वो बहुत ही कारगर अभ्यास है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपका उंगली फास्ट हो जाएगा। आप कोई भी गाना बजाएंगे या म्यूजिक का कोई भी पीस बजाएंगे तो आपका कभी उंगली फंसेगा नहीं और सही सही आप गाने को निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे बजाएंगे। सबसे पहले एक अंगूठे का और तीन अंगुलियों को उसमें कमाल, यानी चार अंगुलियों को उसमें कमाल है। तो हम क्या करेंगे, नी से पहले सा को बजाएंगे, नी से रे को बजाएंगे, नी से ग को बजाएंगे, नी से म को बजाएंगे, यानी नी को आधार मान करके सभी स्वरों को हम बजाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको विलंबित लय में यानी अस्थाई लय में उसको बजाना है। क्या? नी सा सा सा। अंगूठा हमारा नी पर रहेगा और तीन अंगुली जो है हमारा सा को बजाएगा, जैसे सा, जैसे नी सा सा सा। ठीक है, नी सा सा सा, तीन अंगुली से सा को बजाना है। नी सा सा सा, नी सा सा सा, तेज करेंगे, नी सा सा सा, नी सा सा सा, नी सा सा सा। आपका अंगुली जितना फास्ट चलता है उतना ही फास्ट बजाइए, उससे ज्यादा तेज नहीं कीजिए। पहले विलंबित बजाइए, स्थाई उसके बाद ज्यादा फास्ट कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नी को ही आधार मान के रे को बजाएंगे, जैसे नी रे रे रे, नी रे रे रे, नी रे रे रे। ठीक है, नी को आधार मान करके रे को बजाएंगे, फास्ट करेंगे। नी को आधार मान करके फिर हम ग को बजाएंगे, जैसे नी ग ग ग, 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 नी ग ग ग। एक एक स्वर हम बढ़ते चले जाएंगे। अब हम म को लेंगे, नी म म म, नी म म म, नी म म म। ठीक है, अंगुली हमारा जितना फास्ट चलता है उतना ही करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अंगुली फंसने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम नी से प को बजाएंगे। आधार स्वर हमारा नी है, अंगूठा हमेशा नी को टच करेगा, उसके बाद हमारा नी से प भ जाएगा। ठीक है, नी से हमने ध को बजाया, फिर नी से नी को बजाएंगे। ठीक है, फिर नी से सा को बजाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा, हमने नी को आधार मान करके आरोह कर लिया, सा रे ग म प ध नी, और फिर सा तक बजाया। अब फिर हम अवरोह करेंगे नी को ही सा मान करके, जैसे नी सा सा सा, नी सा सा सा। ठीक है, अब लौटेंगे वहां से, फिर हम नी पर चले आएंगे। ठीक है, नी से ध को बजाएंगे। ठीक है, नी से फिर प को बजाएंगे, फिर नी से म को बजाएंगे, फिर नी से ग को बजाएंगे, नी से रे को बजाएंगे, और फिर नी से सा को बजाएंगे। ठीक है, तो हम जब फास्ट करेंगे तो कैसे होगा, नी सा सा सा, नी सा सा सा, नी सा सा सा, नी रे रे रे, नी रे रे रे, नी रे रे रे, नी सा सा सा, नी सा सा सा। मतलब इससे नी को आधार मान करके सभी स्वरों को हमें पहले धीरे धीरे बजाना है, उसके बाद हमको इसको फास्ट करना है। आप इसका अभ्यास जब नियमित करने लगेंगे तो आप देखेंगे 10 दिन 15 दिन में आपका अंगुली इतना फास्ट हो जाएगा कि आप किसी भी गाने को बड़ी ही आसानी से बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो प्यारा लगा तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।